वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हज़रात, इलेक्शंस वक्त पर तभी होंगे जब मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में होगी, लेकिन अगर हम जायजा लें 2021 से अभी तक का, तो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है, तकरीबन 180% के करीब दहशतगर्दी के वाकयात में खैबर पख्तूनख्वा में इजाफा हुआ है। 2021 की मैं बात करूँ, 2021 में 110 वाकयात हुए थे, 2022 में 213 और 2023 में 317 दहशतगर्दी के वाकयात अभी तक हो चुके हैं। यकीनन ये एक तश्वीशनाक सूरत हाल है कि किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे। ये तो सिर्फ दहशतगर्दी के वाकयात एक तरफ, दूसरी तरफ स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता जा रहा है जिसका जिन इस वक्त बेकाबू है, जो कि निगरान सेटअप के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन किया जाएगा। और हम जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे सियासी मुआशी मुआशरती हालात हैं, अगर हमने इस जिन को काबू नहीं किया, बड़ा नुकसान उठाएंगे। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। आज आपके वालिद मोहतरम हमीद गुल साहब की 8वीं बरसी भी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बड़ी खिदमत की उन्होंने पाकिस्तान की, अगर आज वो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते तो हुजूर क्या कहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआ के लिए, मैं आपका ही ममनून हूँ, आपके चैनल का भी ममनून हूँ। देखें, आज की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख के वो वही कहते कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान असल निशाना, ये एक हकीकत है। अब हमें ये देखना, जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स पेश किए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। देखिए कि ये बताइए कि 2021 में क्यों कम थे? इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका ने वहां से जाना था, और जब अमेरिका ने वहां से जाना था तो वो ये चाहता था कि पुरअमन सूरत हाल रहे, और उसके जो गुमाश्ते थे वो सब जानते हैं कि अगर पूरी नेटो की वहां मौजूदगी के अंदर और यूएस एयर जो फोर्सेस थी उनकी मौजूदगी में, आईएसएफ फोर्सेस की मौजूदगी में, अगर वहाँ टीटीपी पनप रही थी, जमातुल एहरार पनप रही थी, यूआईएम पनप रही थी, दाएश पनप रही थी, और इसी तरीके से खुरासान ग्रुप पनप रहा था, तो वो किसकी आशीर्वाद थी? देखिए ना, अब बड़ी वाजे बात आ गई है। उसके बाद ये दहशतगर्दी के वाकयात में इसलिए इजाफा हुआ क्योंकि मलबा पाकिस्तान पे डालना था, पाकिस्तान को सजा देनी थी, और ये हमें पता है कि एनडीएस जो बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी अफगानिस्तान की, वो किसके कहने पे चलती है और उसको कहाँ से जो है तकवीत मिलती है। एक तो भारत वाजे है, अमरुल्ला साले जैसे बदनाम जमाना लोग जो वहाँ बैठ के बकायदा उन्होंने भारत में जाके कोर्सेज किए, उनके वॉर कॉलेज कोर्सेज किए, और इसी तरीके से जो स्थानिक रई वगैरह जैसे लोग थे वो किसके ईमा के ऊपर काम करते थे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला का घर जो है वो अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद, इंडिया में मौजूद है, तो हम ये जानते हैं कि ये पीछे क्या हो रहा है। असल में बात यह है कि अमेरिका तो चला गया, और अभी हालिया जो वाकयात हुए दहशतगर्दी के, जो ज़ोब गैरिजन में हुए, वहां बकायदा अमेरिकी वर्दियां और इसी तरीके से अमेरिकी साख्त का असला जो है बरामद हुआ। ये मैं नहीं कह रहा कि उसमें अमेरिकी खुद आए थे, लेकिन आप ये देखें कि इन सबको जो है सैटेलाइट इमेजरी कौन फराहम कर रहा है, जो सैटेलाइट से तस्वीर है वो कौन फराहम कर रहा है? अफगानिस्तान के पास तो सैटेलाइट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इनको कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, इनको जो जीपीएस की जो लोकेशंस हैं ये कौन उनको प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं, अफगानी तालिबान, उनके पास तो इतना इलम ही नहीं है कि वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, और ये तमाम की तमाम लिंक्ड होती है टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के जरिए। तो एक ये पॉइंट है जिसको बड़ा गौर से समझने वाला है। दूसरी बात है, अफगान नेशनल आर्मी जो 3.5 लाख लोग थे, वो सारे के सारे तो बैरून मुल्क नहीं चले गए ना, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान में मौजूद है जो कि ट्रेंड है और पाकिस्तान के लिए बुगज रखते हैं। दूसरी तरफ रिसेंटली सर वो स्टेटमेंट भी तो आया है कि जो पाकिस्तान जाएगा कोई दहशतगर्दी का वाकया करने तो वो शहीद नहीं कहलाएगा, वो दहशतगर्द कहलाएगा। क्या स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ेगा हमें? देखें, इस स्टेटमेंट से यकीनन जो मेरे ख्याल में एक हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ये मजहबी एंगल जो है इसको कवर किया गया है। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि एक हमने जब पाकिस्तान के हवाले से एक बयानिया सामने ले आए, तो उससे नतीजा ये हुआ कि कई लोग जो के जिनके कमजोर जहन थे
उनको हमने फिर भी एक काउंटर जो है बयानिया, यानी कि हम जो मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि वी कैन नॉट फाइट यू नो आइडियोलॉजी विद वेपन्स, बट वी हैव टू कम अप विद अ सुपीरियर आइडियोलॉजी. तो एक बेहतर बरतर नजरिया जो था वो वहाँ अभी जाहिर है, क्योंकि वहाँ इमारत इस्लामिया है और इमारत इस्लामिया की जानिब से जब ये बात आती है तो एक मानी रखती है, इससे फर्क जरूर पड़ता है. दूसरी तरफ जो है NDS जो बदनाम थी, NDS के लोग भी जो है वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और अभी तक वो गैर मुल्की ताकतों की पेरोल के ऊपर है. उसमें भारत भी है, इसराइल भी है, उसके अंदर अमेरिका बहादुर खुद भी शामिल है. एक सुबह नौम जो नूरिस्तान है उसमें एक नौम के अंदर बकायदा शहर का नाम है नौम, जहां उन्होंने एक बकायदा हेडक्वार्टर बनाया था इन ज्वाइंट. और ये जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन थी इनका मकसद क्या था, इनका मकसद बुनियादी ये था कि पाकिस्तान के अंदर बाजार गर्म किया जाए, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ धकेला जाए. ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्वाब चिकना चूर हो गया है ऑलरेडी. ठीक अब्दुल्ला साहब, ये बताइए जो इस वक्त पाक फौज की स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से हमारे सिपा सालार आला जनरल आसिम मुनीर ने पिशावर में पिछले हफ्ते ग्रैंड जिर्गे से खिताब किया और कहा कि दोहा एग्रीमेंट पर अमल होना बहुत जरूरी है, पाक फौज की स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं इस दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए? मेरे ख्याल में पाक फौज की स्ट्रेटेजी जो है वो एक तो बड़ी वाजे हो गई कि उन्होंने कहा कि हम किसी ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जबकि आपको याद है कि माजी के सिपा सालार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर हमने देखा कि वो पॉलिसी कोई खास कामयाब नहीं थी. नतीजा ये हुआ कि हमने जब TTP के कुछ फैक्शन के साथ गुफ्तगू करना शुरू की तो उनकी मरकजियत कायम होना शुरू हो गई और जो छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप थे वो भी आके उनके अंदर ज्वाइन हुए और हद ये हो गई कि तकरीबन 600 से तादाद जो थी वो 7000 के करीब एक हफ्ते में पहुंच गई. और ये मेरे ख्याल में एक नुकसान हुआ. लेकिन अब जो है वो उन्होंने बड़ा वादे कहा कबाइल जिरगा में भी और पहले भी कि हम सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात करेंगे अफगान हुकूमत के साथ और अफगान हुकूमत को जो है वो पाबंद करेंगे कि वो दोहा मुआहदे की पासदारी करे जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अपने किसी पड़ोसी मुल्क के लिए ना किसी दहशतगर्द को पनाह देंगे और उसकी सरजमीन जो अफगानिस्तान की है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी. अब ये देखिए ये जो दरमियान में 5 कौंसल खाने थे इंडिया के जो अफगान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर थे, इनका मकसद क्या था? ये दहशतगर्दी के ताने बाने बुन रहे थे. ये जो कुलभूषण का नेटवर्क था ये क्या था? देखिए एक मुनज्जम कैंपेन जो है वो लॉन्च हुई और हकीकत यह है कि जो एक साल पहले बयानिया सामने आया जिसके अंदर कहा कि पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हुई, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं थी, साजिश जरूर थी और थी भी बैरूनी, लेकिन वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ थी क्योंकि हुकूमत वगैरह उनके सामने कोई अमरीका वगैरह के सामने कोई हैसियत नहीं रखते, अफवाज है उनके लिए आंखों का जो एक उनका चुभता हुआ कांटा है वो उनके लिए. बैरूनी के अलावा अंदरूनी साजिशें भी कुछ हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर क्राइम कम नहीं हो रहा, स्ट्रीट क्राइम मुसलसल बढ़ रहा है. आज तो ये खबर भी आई कि एक 15 साल डकैत लड़की पकड़ी गई. मेरे हैरत हुई कि कैसे हो सकता है कि 15 साल की बच्ची को लोग डकैत बना दिया. तो हमारी सोसाइटी में सर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से फ्रॉड बढ़ रहा है, क्या वजह आप समझते हैं और हाउ टू कंट्रोल इट? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुर्बत होती है ना उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं हुआ करती हैं. जब खुदा ना खास्ता ये वक्त आ जाए जहां वो देखे कि अपना बच्चा कुर्बान करना है या किसी का बच्चा कुर्बान करना है. इसी पाकिस्तान में हमने जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के हवाले से देखा तो जब वहां टाइडल बोर आया एक समुद्री तूफान तो लोगों ने मुट्ठी भर चावलों के लिए अपनी औलाद को बेच दिया, अपनी बच्चियों को बेच दिया. होती है अल्लाह माफी दे भूख एक बहुत खतरनाक चीज होती है और जूं जूं पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, लाकानूनियत उसके साथ साथ बढ़ेगी. आखिरी सवाल अगर पूरे नहीं, अब्दुल्ला साहब एक आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से इलेक्शंस मुतासर होंगे? जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी मुतासिर होंगे, आपकी मौसी सूरत हाल की वजह से भी होंगे और आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से भी होंगे. और एक इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है. आपको याद होगा कि जब कोविड आया था, आप ही के पिछले सवाल का हिस्सा है, कोविड आया था तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा था लूट मार बढ़ना शुरू हो गई थी और पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी. इसका मतलब यह है कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, हमें इसको फौरन से पेशतर जो है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करें, क्योंकि हम जानते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी करीम मोहम्मद
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। यकीनन हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करे। और ये हदीस मुझे इस वक्त याद आ रही है आका है दो जहाँ की, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख इंसान को कुफर पर मजबूर कर देती है। तो हमें अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी है तो मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना होगा, सियासी सूरत हाल को बेहतर करना होगा, फिर जाके हमारी सोसाइटी बेहतर होगी। तला जाती को जा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।